क्वार्ट्ज क्लॉक सस्ता होने के साथ साथ काफी एक्यूरेट होता है। इस वीडियो में हम इसी क्वार्ट्ज क्लॉक के बारे में जानेंगे। इस क्वार्ट्ज क्लॉक में एक फ्रेम होता है जिस पर नंबर्स लिखे होते हैं और साथ ही साथ इसमें एक ग्लास भी लगा होता है जो कि अंदर लगे घंटे, मिनट और सेकंड की सुइयों को प्रोटेक्ट करता है। घड़ी को चलाने का काम यह बॉक्स करता है। इसके अंदर बहुत सारे गियर लगे होते हैं। जब भी दो गियर एक साथ चलते हैं तब छोटा गियर तेजी से घूमता है जबकि बड़ा गियर धीरे धीरे घूमता है। अब अगर इस बड़े गियर से एक छोटा गियर जोड़ दिया जाए और इस छोटे गियर से किसी दूसरे बड़े गियर को चलाया जाए तो वह बड़ा गियर और धीरे घूमेगा। इसी अरेंजमेंट के साथ अलग अलग गियर से सेकंड, मिनट तथा घंटे की सुई जुड़ी रहती है। सभी गियरों का आकार इस प्रकार रखा जाता है ताकि मिनट की सुई सेकंड की सुई से 60 गुना धीरे घूमे और घंटे की सुई मिनट की सुई से 60 गुना धीरे घूमे। घंटे और मिनट की सुइयों से जुड़ा गियर अंदर से खोखला होता है ताकि ये तीनों गियर एक दूसरे के अंदर कोएक्सियली रह सके। इस गियर सिस्टम को चलाने का काम एक मोटर करता है। यह एक विशेष प्रकार का मोटर होता है जिसे लेवेट मोटर कहते हैं। बैटरी से जुड़ा दो मेटल का स्ट्रिप इस सर्किट को पावर देता है और यह सर्किट आगे इस मोटर को चलाता है। इस सर्किट में एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा होता है। यह क्वार्ट्ज क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वाइब्रेट होता है और इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करता है। इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल को विशेष प्रकार से बनाया जाता है ताकि यह 32,768 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करे। इस क्रिस्टल से जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल को एक चिप में भेजा जाता है। इस चिप में 15 फ्रीक्वेंसी डिवाइडर फ्लिप फ्लॉप एक के बाद एक लगे होते हैं। हर एक फ्रीक्वेंसी डिवाइडर फ्लिप फ्लॉप आने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को आधा कर देता है। 15 बार आधा होने के बाद 32,768 हर्ट्ज का यह सिग्नल 1 हर्ट्ज का रह जाता है और फाइनली इस चिप से निकलने के बाद यह सिग्नल कुछ इस प्रकार का हो जाता है। यह इलेक्ट्रिक पल्स इस कॉइल को दिया जाता है जो कि इस कोर में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इस कोर के बीच में एक छोटा सा मैग्नेट होता है जो आसानी से घूम सकता है। कोर का चारों पोर्शन बराबर नहीं है, दो पोर्शन मैग्नेट से दूर है जबकि दो पोर्शन मैग्नेट के नजदीक है। इस कारण मैग्नेट हमेशा इस नजदीक वाले पोर्शन की ओर ही रुकता है। जब इस कॉइल में कोई करंट नहीं है तब यह मैग्नेट नजदीक वाले पोर्शन को अपनी ओर खींचेगा और इस तरह से यह नजदीक वाले पोर्शन की दिशा में अलाइन हो जाएगा। जब इस कॉइल को इलेक्ट्रिक पल्स मिलता है तब यह कोर को मैग्नेटाइज कर देता है। कोर का एक साइड नॉर्थ पोल और दूसरा साइड साउथ पोल बन जाता है। यह दोनों मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ पोल को रिपेल करते हैं जिससे मैग्नेट घूम जाता है। क्योंकि कोर का ये दोनों पोर्शन मैग्नेट के नजदीक है तो पुनः एक बार घूमने के बाद मैग्नेट उसी दिशा में रुकता है। एक सेकेंड के बाद दूसरी पल्स आती है जो उल्टी होती है। इस बार कॉइल से दूसरी दिशा में करंट फ्लो होता है और कोर में बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी उल्टा होता है। नॉर्थ पोल के जगह पे साउथ पोल और साउथ पोल के जगह पे नॉर्थ पोल बनता है। यह दोनों पोल दोबारा मैग्नेट को रिपेल करता है और मैग्नेट एक बार फिर 180 डिग्री घूमता है। अगर कोर का यह दोनों पोर्शन बराबर होता तो बीच में रखा मैग्नेट किसी भी दिशा में घूम जाता। इस कोर को ऐसा इसीलिए बनाया जाता है ताकि यह मैग्नेट मिडिल लाइन से कुछ एंगल बना के रुके और हर बार रिपेल होने पर यह एक ही डायरेक्शन में घूमे। एक गियर इस मैग्नेट से जुड़ा होता है जो कि पूरे गियर सिस्टम को चलाता है। तो इस तरह एक छोटे से क्वार्ट्ज क्रिस्टल के वाइब्रेशन को यूज करके यह घड़ी समय बताती है, इसीलिए इस तरह की घड़ियों को क्वार्ट्ज वॉच कहा जाता है। तो यह थी क्वार्ट्ज वॉच की कहानी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।